डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स में नंबर 3 को विदाउट डॉट बनाने के बाद में आपको आज मैथ्स की वर्कशीट भी सॉल्व करनी है। मैथ्स की वर्कशीट का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आज हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि वर्कशीट आपको कैसे सॉल्व करनी है। ओके, तो आप सभी अपनी मैथ्स की वर्कशीट निकाल लीजिए, सिलेबस वर्कशीट, और उसका पार्ट 1 आपको अपने सामने रखना है और उसको सॉल्व करना है। ओके, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस एंड राइट द गिवन नंबर्स। आपको जो नंबर्स दिए गए हैं उनको पहले ट्रेस करना है और फिर डॉट्स पे राइट करना है, लिखना है। ओके, जैसे हमने इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व की थी ना, ऐसे उसमें हमने लेटर्स को पहले ट्रेस किया था और फिर राइट किया था। इसमें हमें नंबर्स को पहले ट्रेस करना है। ये नंबर 1, इसको ट्रेस कर लिया, अब इसके बाद नंबर 1 को राइट करना है। तो नंबर 1 को हम 2 डॉट पर राइट करेंगे। अब नेक्स्ट नंबर है नंबर 2, तो नंबर 2 को पहले ट्रेस करेंगे, कर्व लाइन, स्लिपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्लिपिंग लाइन। अब क्या करना है, यहां पर राइट करना है। तो नंबर 2 को राइट करेंगे कैसे, कर्व लाइन और स्लिपिंग लाइन, 3 डॉट के ऊपर हम नंबर 2 को राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मैच द सेम नंबर। आपको क्या करना है, सेम नंबर्स को मैच करना है। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 है, इधर सामने आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ नंबर 1 लिखा है। ये नंबर 1 है, तो दोनों नंबर 1 को सेम है इसलिए हम इसको मैच कर देंगे। फिर नंबर 2 को नंबर 2 से मैच करना है, देन नंबर 3 को नंबर 3 से। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, कलर द सेम पिक्चर्स। आपको सेम और डिफरेंट का कॉन्सेप्ट पता है। यहाँ पर 3 पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको 2 एक जैसी दिखने वाली पिक्चर्स को, सेम पिक्चर्स को कलर करना है। देखिए यहाँ पर ये एप्पल है और ये भी एप्पल है, दोनों सेम है, बट बनाना क्या है, बनाना डिफरेंट है। तो हम इसको छोड़ देंगे और दोनों एप्पल्स में कलर करेंगे। एप्पल कौन से कलर का होता है, रेड कलर का, तो आपको रेड कलर लेना है और एप्पल के अंदर कलर कर देना है ऐसे। पर देखिए यहाँ पर एप्पल की लीफ भी बनी हुई है, तो लीफ एप्पल की रेड होती है क्या, नहीं, एप्पल की लीफ जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, तो आपको ग्रीन कलर लेना है और ग्रीन कलर से लीफ को कलर कर देना है, ये ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट एप्पल में भी कलर करना है क्योंकि हमें सेम पिक्चर्स में कलर करना है, तो सेकंड नंबर वाले एप्पल में भी हम रेड कलर कर देंगे और उसकी लीफ में भी ग्रीन कलर कर देंगे, ये सेम पिक्चर्स में कलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर द पिक्चर विद द नंबर 1। अब आपको यहाँ 1 और 2 बॉल दिखाई दे रही है, 2 बॉल दिखाई दे रही है, आपको उसी बॉल में कलर करना है जिसमें की नंबर 1 लिखा हुआ है, यह जो नंबर 1 के साथ है। देखिए फर्स्ट बॉल के पीछे में नंबर 1 लिखा है, तो हमें इसे कलर करना है। नंबर 2 सेकंड बॉल में नंबर 2 लिखा है, तो हम इसको कलर करेंगे क्या, नो, इसको कलर नहीं करना है, तो हम फर्स्ट बॉल के पीछे में कलर कर देंगे, ये ऐसे आपको बॉल के पिक्चर में कलर कर देना है। बॉल कई रंगों की होती है, बहुत सारे कलर्स की होती है, आपको जो कलर पसंद आए आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बॉल में कलर कर सकते हैं। ओके, टर्न दी पेज, पेज टर्न करने के बाद हम पार्ट नंबर 2 भी आज ही सॉल्व करेंगे। इसमें भी ऐसे ही करना है, ट्रेस एंड राइट दी गिवन नंबर्स, जो भी नंबर आपको दिए हैं उनको पहले ट्रेस करना है। तो सबसे पहले नंबर 3, इसको आपने ट्रेस किया, आपने वर्कबुक में पहले ट्रेस किया है तो आपको ट्रेस करना आता है, और फिर उसी के बाद आपने कॉपी में नंबर 3 को डॉट पर बनाया था। हाउ मेनी डॉट्स, कितने डॉट पर, 1 2 3, पहले कर्व लाइन, फिर से एक और कर्व लाइन के बाद नंबर 4 को आपको और ट्रेस करना है। वैसे ही उसी प्रोसेस में पहले छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बड़ी स्टैंडिंग लाइन, उनको काटते हुए स्लिपिंग लाइन, ओके, और फिर नंबर 4 को डॉट पे ऐसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द सेम नंबर्स। इसमें सेम नंबर्स को आपस में मैच करना है, नंबर 3 को सामने वाले नंबर 3 से मैच करना है, फिर नंबर 4 को नंबर 4 से, नंबर 5 को नंबर 5 से, ऐसे, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कलर द डिफरेंट पिक्चर।
आपको डिफरेंट पिक्चर में कलर करना है। देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसमें से डिफरेंट पिक्चर आपको छांटना है और उसमें कलर करना है। ये बलून है, ये काइट है, ये भी बलून है, तो बलून और बलून दोनों सेम हो गए। डिफरेंट क्या हुआ? काइट। तो हम किस में कलर करेंगे? काइट में। ऐसे काइट के पिक्चर में आपको कलर करना है। ओके, कलर द पिक्चर विद द नंबर 2। अब यहाँ पर 2 एप्पल की पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, आपको उसी एप्पल में कलर करना है जिसमें कि नंबर 2 लिखा है। अब फर्स्ट एप्पल में देखिए कौन सा नंबर लिखा है, नंबर 1, तो हम इसको कलर करेंगे क्या? नहीं। सेकेंड एप्पल देखिए, इसमें कौन सा नंबर लिखा है, नंबर 2, तो हम इसको कलर करेंगे। एप्पल कौन सी कलर का होता है? रेड कलर का। आपको रेड कलर लेना है और एप्पल में कलर करना है ऐसे। और एप्पल की लीफ जो होती है वो कौन सी कलर की होती है? ग्रीन कलर की। तो आप ग्रीन कलर लेंगे और लीफ में ग्रीन कलर कर देंगे। ठीक है, ऐसे आज आपको वर्कशीट पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों सॉल्व करना है। ओके, ये आज आपका वर्क है, आप कंप्लीट करेंगे देन फिर मुझे सेंड करेंगे। ओके बच्चों, हरे कृष्णा, ऑल ऑफ यू।